जे कोई ये जना सोचता है कि असी गुरु घरां दे विच भीड़ इकट्ठी करके ये साबित करन नूं तैयार हाँ कि असी गुरु घर दे नाल जुड़े हाँ तां मैनूं अफसोस नाल कहना पैना है असी पाखंड करदे हाँ। तुहानूं माड़ा जरूर लगेगा पर जे पाखंड नहीं तां मैनूं दसो कि असी जदों भी किते भी मत्था टेकण लई पहुंचदे हाँ असी मत्थे दी कीमत वसूलण लग पए हाँ। टेकदे हाँ नाल लंबी सारी लिस्ट दिंदे हाँ ये 50 रुपए मैं टेके मेरे घर का काम सारा ठीक ठाक रखी मेरा कारोबार ठीक रखी मेरा इस वेले पुत्र सलामत रहे उस पुत्र दा अगों फेल ना होवे वह भी तैयार रखी। सानू गुरु साहब ने अरदास दे विच सिखाया की सी वह अरदास अजिही सी जिहदे विच सानू संपूर्ण इंसान बनाउण दा एक जरिया दस्या गया सी। किसे होर धर्म विच कदे ए नहीं सिखाया जांदा कि जिंदगी जीवन दा ढंग की है वह दसदे ने कि जिंदगी जियो ते सिर्फ एक सिख धर्म है जिहड़ा दसदा है कि मरना किस तरह है मरण दा ढंग सिखाउंदा है कि पहला मरना कबूल करो फिर इस धर्म दे विच आउणा जे ते वह मरना किस तरह हुंदा जे अपनी मैं नूं खत्म करके अपना सिर तली ते तर के आउण दा मतलब यह नहीं कि सिर कट के आ जाना है अपनी हौमें खत्म करके आओ कि यह मंदिर या गुरद्वारे या गिरजा घरां विच किसी ने भी आना है जे रब की बंदगी करनी है तो अपना मैं उस घर के बाहर सुट के आना है। किन्ने क जने आ जिहड़े असी मैं छड़ के आउने आ असी मैं नाल लैके आउने आ इह सोचदे आ कि तुसी अरदास भी करोगे तां उस तों बाद साडा नाम जरूर लैणा जी। इह लिस्ट फड़ा रहे आ इस लिस्ट दे विच जदों भी अरदास खत्म करोगे नाम लैके कहना इह फलाणे दे वल्लों इन्नी भेटा हुई अज फलाणे ने लंगर कीता इना दे नाम जरूर लो ते अगो ये भी कहो कि जिना जिना ने माया टेकी है वो खजाने भरपूर रखना। कदे ख्याल कीता जे अरदास विच क्या की गया सी कि साड़ी मत नीवी होनी चाहिए ते मन उच्चा होना चाहिए ते मंगना की जे मंगना असी रहत दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान ते नाम दान किन्नी बार मंगया जे स्पष्ट कीता गया जे कि जे फतेह किसे दी मंगनी है तां मंगनी है खालसे दी असी मंगना सिर्फ एहो है जिथे किते ए निशान चूलदे होण उसे थां ते देग ते तेग दी फतेह हुंदी रवे खालसे नूं सदा रसद पहुंचदी रहे ते गल करनी है सरबत दे भले दी। किन्नी वार असी सरबत दे भले दी गल करदे आं असी सोचदे आं कि ओ इक जिनूं असी मन लिया है जिहड़ा चुफेरे फिरदा जे जिहड़ा सब दा भला लोचदा है जिहड़ा निराधार है जिसने समुचा संसार रचिया है उहनूं सोचदे आं कि असी चार इट्टां ला के तैनूं इक कमरे दे विच कैद कर दित्ता है ते तू इत्थे ही सीमित है इस तों बाहर असी जो मर्जी माड़े काम करदे रहिए इत्थे आके मत्थे टेकांगे तां जिहड़ा रजिस्टर लाया गया है उहदे विच शायद साडे सारियां गल्लां माफ हो जाणगियां। यानी असी अपने गुरु घरां नूं एक अजिहा हाल बना दिता है जिन्हां नूं टॉर्चर सैल का नाम दिता जा सकता है कि हर जना वड़दा है मत्थे रगड़दा माफिया मंगदा आउंदा जे मेरियां गलतियां माफ करियो मेरियां गलतियां माफ करियो क्योंकि असी अपने मन विच ये ठान लिया कि असी उस गुरु नूं कैद कर लिया इस हद दे अंदर कैद करके ते असी उस नूं कहा कि अपनी रजिस्टर विच नोट कर जिन्ने जिन्ने मेरे माड़े काम ने सारे टिक ला के माइनस कर दे ते मैं सब कुछ ठीक ठाक हो गया ते ओ परमात्मा जिन्हां असी मनदे आ कि समुंदर दे डूंघाई दे विच पए निक्के तो निक्के जीव नूं खुराक पहुंचा सकदा है उस नूं असी सोचदे आ असी तैनूं पालण वाले बन गए आ तैनूं 50 रुपए दा मत्था टेकिया तां इहदा मतलब है कि तू साडे मत्थे दी कीमत चुका। किते पूरी अरदास विच किते जिक्र मिलदा जी कि इहो जिहा काम निज दे विच वाड़ के गल कीती जावे ए निज दी अरदास सिख धर्म विच नहीं है।